वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेवी है और ज्योग्राफी के सेशन में हम लास्ट सेशन में क्या डिस्कस कर रहे थे, हॉट स्पॉट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कुछ हॉट स्पॉट है, ये ऐसी जगह है जो पहले से बहुत बैलेंस्ड है, बहुत टाइम से ये क्या है, बहुत बैलेंस्ड है, बट अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इन पे भी एडवर्स इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, कितने नंबर्स ऑफ ऐसे हॉट स्पॉट्स हैं टोटल अभी तक, तो टोटल 20 हैं। एग्जाम्पल्स क्या था, जो ग्लेशियर्स यहाँ पे ग्रीनलैंड के रॉकी माउंटेन अलास्का रीजन इन नॉर्दर्न अमेरिका, फिर थर्मल वेव्स इन टेक्सास, ये सारे के सारे इंक्लूडेड हैं आपके हॉट स्पॉट में। ठीक, इतना हमने डिस्कस कर लिया था। अब आज स्टार्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी समिट जो 2010 में हुई थी। कब हुई थी? 2010 में हुई थी बायोडाइवर्सिटी समिट, ऑन 18th to 29th October 2010 द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी हेल्ड इन कहाँ पे, जापान। इतना बस याद रख लो कि बायोडाइवर्सिटी समिट 2010 में कब हुई थी, कहाँ हुई थी, जापान में हुई थी, सिर्फ इतना याद रख लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। अब टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट इन ह्यूमन लाइफ, द वर्ल्ड फॉरेस्ट डे हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन 21st March बाय द फोरम ऑन फॉरेस्ट इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल यूनाइटेड नेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिसोर्स, दैट इज ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट। द टोटल ऑफ द फॉरेस्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज 3,999 million hectares, विच इज 30.6% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। अब वन, ठीक है, वन या जंगल की विशेषता बताने के लिए, उसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए ह्यूमन लाइफ में, ठीक है, क्या किया गया, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे को जो है वन दिवस एक तरीके से उसको सेलिब्रेट किया जाने लगा। कब होता है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे? रट लो, 21 मार्च को। ठीक है, किसके द्वारा? बाय फोरम ऑन फॉरेस्ट। ठीक है, बाई फोरम ऑन फॉरेस्ट के द्वारा इन कोलैबोरेशन, अब पहले जाते हैं बाई फोरम ऑन फॉरेस्ट इन कोलैबोरेशन विद किसके साथ, यूनाइटेड नेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ठीक है, दैट इज ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट। अब इनके अनुसार टोटल फॉरेस्ट एरिया पूरी दुनिया का कितना है? ठीक है, तो टोटल फॉरेस्ट एरिया पूरी दुनिया में है स्टूडेंट्स 3,999 million hectares। ठीक है, कितना है? 3,999 million hectares है, जो कि है पूरी दुनिया के लैंड सरफेस का, लैंड एरिया का 30.6%। तो कभी क्वेश्चन पुटअप होता है कि पूरी दुनिया में कितना परसेंट आपका फॉरेस्ट एरिया है लैंड एरिया के अकॉर्डिंग, तो 30.6% है। कितना है? 30.6%। ठीक, ये था आपका फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। अब आ जाते हैं इन्वायरमेंटल डेमोक्रेसी इंडेक्स, डेवलप्ड बाई द एक्सेस इनिशिएटिव एंड द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। द एनवायरमेंटल डेमोक्रेसी इंडेक्स विल बी द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स डिजाइंड स्पेसिफिकली टू मेजर प्रोसीजरल राइट्स इन एन एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट। अब किसके द्वारा डिजाइन किया गया है आपका एनवायरमेंटल डेमोक्रेसी इंडेक्स? टू द एक्सेस इनिशिएटिव एंड द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द एनवायरमेंटल डेमोक्रेसी इंडेक्स। ये पहला होगा ऐसा इंडेक्स जो डिजाइन किया गया है स्पेसिफिकली मेजर करने के लिए क्या, प्रोसीजरल राइट्स इन एन एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये पहला ऐसा है। किसके द्वारा ये डेवलप किया गया? द एक्सेस इनिशिएटिव एंड द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्या है आपका? अर्थ आवर 2018 टू कंट्रोल द ग्लोबल वार्मिंग, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट एंड टू रिड्यूस इट्स एनर्जी कंजप्शन, अर्थ आवर इज बीन सेलिब्रेटेड बाय वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। अब ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट के लिए, और जो एनर्जी का जो कंजप्शन हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए अर्थ आवर को सेलिब्रेट किया जाने लगा है बाय वर्ल्ड वाइड फंड। किसके द्वारा? वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा फॉर नेचर। ठीक है, इंडिया हैज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इट ऑन लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च। कब सेलिब्रेट होता है? लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को भारत में। ठीक है, कब सेलिब्रेट होता है? लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च, बाय स्विचिंग ऑफ ऑल द अननेसेसरी लाइट्स। एक घंटे के लिए सारी अननेसेसरी लाइट्स को बुझा दिया जाता है, बत्ती को बुझा दिया जाता है 8:30 to 9:30 PM तक, एक घंटे के लिए। ठीक है, इस तरीके से हम अर्थ आवर को सेलिब्रेट करते हैं।
भारत में लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च। ये था अर्थ आवर 2018। आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।